हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ सोशल स्टडी रन बाय रास्तान एकेडमी चूरू। स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर चल रहा था डेमोक्रेटिक राइट्स का। डेमोक्रेटिक राइट के अंदर हमने राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि किसी का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है तो उसके विरुद्ध भी हमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से अधिकार मिला हुआ। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में देखिए, वंस द राइट टू लिबर्टी एंड इक्वलिटी इज ग्रांटेड। हमें राइट टू इक्वलिटी और लिबर्टी तो प्रदान की गई है। इट फॉलोज दैट एवरी सिटीजन हैज ए राइट नॉट टू बी एक्सप्लॉयटेड। तो राइट टू फ्रीडम और राइट टू इक्वलिटी के माध्यम से हमें अधिकार प्राप्त होता है कि किसी भी नागरिक को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। येट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थॉट इट वॉज नेसेसरी टू राइट डाउन सर्टेन क्लियर प्रोविजंस टू परवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब देखिए, राइट टू फ्रीडम और राइट टू इक्वलिटी के माध्यम से हमें यह अधिकार तो मिल गया कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वाला जो अधिकार है इसकी आवश्यकता नहीं थी। फिर भी अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने कुछ विशेष जो सेक्शंस हैं अपनी सोसाइटी के लिए, उसने कुछ अलग जो नियम बनाए हैं वो क्या हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन्स थ्री स्पेसिफिक इवल्स एंड डिक्लेयर दीज इलीगल। कुछ तीन विशेष जो बुराइयां हैं उनको उन्होंने मेंशन किया, उनका जिक्र किया और उनको इलीगल उन्होंने घोषित कर दिया। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स। ट्रैफिक हेयर मीन्स सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, यूजुअली वुमेन, फॉर इमोरल पर्पजेज। एक तो ये इलीगल घोषित किया गया कि जो ह्यूमन ट्रैफिक है, ट्रैफिक ऑफ टू ह्यूमन्स है, यानी मनुष्यों को जो खरीदना बेचना है या जो चाइल्ड लेबर है इनको क्या कर दिया गया, इलीगल घोषित कर दिया गया, इनको अपराध घोषित कर दिया गया। तो ये उनका शोषण ही है जिसको खरीदा या बेचा जाता है, तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया अपना। और विशेष रूप से महिलाओं को इमोरल पर्पज के लिए खरीदा या बेचा जाता है तो वो बैन कर दिया गया। अवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर और बेगार इन एनी फॉर्म। एक अपना लोकल वर्ड है बेगार, जिसको हम फोर्स लेबर भी कह सकते हैं, यानी फोर्स करके किसी से कार्य करवाना, बलपूर्वक किसी से कार्य करवाना, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोहिबिट कर दिया गया है। सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स को भी प्रोहिबिट्स कर दिया गया है। बेगार इज ए प्रैक्टिस वेयर द वर्कर इज फोर्स्ड टू रेंडर सर्विस टू द मास्टर फ्री ऑफ चार्ज। बेगार क्या है, मालिक के लिए कार्य करना, वो भी फ्री ऑफ चार्ज, बिना किसी कीमत के। वेन दिस प्रैक्टिस टेक प्लेस ऑन ए लाइफ लॉन्ग बेसिस, और जब ये प्रक्रिया जीवन भर चलती है तो इसको क्या नाम दे दिया गया है, बॉन्डेड लेबर नाम दे दिया गया है, जिसको बंधवा मजदूरी कहा जाता है। यानी एक व्यक्ति, उसके पुत्र ये बंधवा मजदूरी के रूप में कार्य करते हैं, उनको उसके लिए वो फ्री ऑफ चार्ज कार्य करते हैं। तो ये भी मेंशन किया गया है, ये भी शोषण उनका नहीं किया जा सकता, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का उनका अधिकार है। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर को भी प्रोहिबिट किया गया है संवैधानिक रूप से। नो वन कैन एम्प्लॉय ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और इन एनी अदर हैजार्डस वर्क्स। किसी भी खतरनाक जो कार्य हैं, माइनिंग के जो कार्य हैं, उनके अंदर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता, उससे कार्य नहीं किया जा सकता, फैक्ट्री में उनसे कार्य नहीं करवाया जा सकता। जैसे हैजार्ड्स जो वर्क हैं उनमें सच एज रेलवेज एंड पोर्ट्स, बंदरगाहों के ऊपर, रेलवे के ऊपर। यूजिंग दिस एज ए बेसिस मैनी लॉ हैज बीन मेड टू प्रोहिबिट चिल्ड्रन फ्रॉम वर्किंग इन इंडस्ट्रीज सच एज बीड़ी मेकिंग, फायर क्रैकर, मैचेज, प्रिंटिंग एंड डाइंग। जैसे प्रिंटिंग करना, डाइंग करना, रंगने वाला जो कार्य है, फायर क्रैकर की जो दुकानें, पटाखे वगैरह की दुकानें, बीड़ी बनाने के कार्य हैं, इनके अंदर 14 वर्ष से कम उम्र के आयु के जो बच्चे हैं उनसे कार्य नहीं करवाया जा सकता। नेक्स्ट अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन।
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें किसी भी धर्म का पालन करने का, उससे मानने का क्या अधिकार है। तो इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट, भारत क्या एक धर्म निरपेक्ष देश है। द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर ऑन द पीपल ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फ्रीडम्स। तो टू फॉलो एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, कि फ्रीडम्स प्रदान की गई हैं, वो किसी भी धर्म को अपनी पसंद के अनुसार फॉलो कर सकता है। टू प्रैक्टिस इस अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक वेज, अपने स्पेसिफिक वेज के अनुसार, अपने तरीकों के अनुसार उसका पालन कर सकता है। टू पर्च इट, उसके उपदेश दे सकता है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन डज नॉट मीन दैट ए पर्सन कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। लेकिन इस स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी धर्म के नाम पर अपने जैसा चाहे वैसा कार्य कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, वन कैन नॉट सेक्रीफिस एनिमल, उदाहरण के लिए कोई भी जानवरों की बलि नहीं दे सकता। और ह्यूमन बींग्स एज ऑफरिंग टू सुपर नेचुरल फोर्सेज और गॉड्स, और जो सुपर नेचुरल फोर्सेज होती हैं और भगवान होते हैं, उनके लिए ह्यूमन जो बींग्स हैं उनको ऑफर नहीं किया जा सकता। रिलीजियस प्रैक्टिस विच ट्रीट वुमन एज इन्फीरियर, ऐसी धार्मिक पद्धतियां जिसमें महिलाओं को निम्न माना जाता है। और दोज दैट इन्फ्रिंज वुमन्स फ्रीडम आर नॉट अलाउड। फॉर एग्जाम्पल, वन कैन नॉट फोर्स ए विडोड वुमन टू सेव हेड और वियर वाइट क्लॉथेज। जैसे ये कुछ प्रैक्टिसेज हैं कि विधवा महिला है, उनको उसके हेड को सेव करवा दिया जाए, उसके बाल कटवा दिया जाए, या उसको सफ़ेद धोती पहनने के लिए मजबूर कर दिया जाए। ऐसी जो पद्धतियां हैं वो ऐसी स्वतंत्रता के अंदर नहीं आती हैं, रिलीजियस राइट के अंदर नहीं आती हैं। ए सेकुलर स्टेट इज वन दैट डज नॉट कन्फर एनी प्रिविलेज और फेवर ऑन एनी पर्टिकुलर रिलीजन। यानी एक धर्म निरपेक्ष देश वही है जो किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है, न किसी धर्म का पर्टिकुलर जो कोई रिलीजन है उसका फेवर करता है। नॉट डज इट पनिश और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन दे फॉलो, और न ही धर्म के आधार पर जो व्यक्ति दूसरे धर्म का पालन करते हैं उसके आधार पर उन्हें पनिश नहीं कर सकता, उनमें भेदभाव नहीं कर सकता। दस द गवर्नमेंट कैन नॉट कंपेल एनी पर्सन टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। इसलिए गवर्नमेंट है वो किसी, गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकती किसी पर्टिकुलर किसी रिलीजन या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करने के लिए उनके ऊपर कर नहीं लगा सकती। देर सेल बी नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और सरकार के द्वारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसके अंदर किसी भी धर्म को अपनाने का कोई इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट नहीं देती है उसके अंदर। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज बाई प्राइवेट बॉडीज नो पर्सन सेल बी कंपेल्ड टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और टू अटेंड एनी रिलीजियस वर्शिप। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी चलते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा चलाए जाते हैं, उसमें भी किसी भी धर्म को अपनाने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। इसी के अंदर अपना आता कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आता है। ऑल ग्रुप्स, यानी सभी ग्रुप्स हैं, सेक्ट्स हैं एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, यानी भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं इन द कंट्री, देश के अंदर, हैव बीन ग्रांटेड द राइट टू सेफ गार्ड देयर कल्चर लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। यानी अपनी लिपि को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को सुरक्षित बनाए रखने का अधिकार अपना संविधान है प्रदान करता है, क्योंकि जो अल्पसंख्यक हैं वो भी अपने कल्चर को बनाए रख सकते हैं। दे कैन ओपन देयर ओवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए वो अपने खुद के शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं। एंड कैन टीच देयर ट्यूशंस फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए वो अपने ट्यूशंस दे सकते हैं। कैन टीच देयर चिल्ड्रन अकॉर्डिंगली, और उसी के आधार पर अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। बट इट हैज़ बिन मेड ऑब्लीगेटरी, लेकिन उनके लिए ये बाध्यता होगी ऑन सच इंस्टीट्यूशंस टू गिव एडमिशन टू एनी स्टूडेंट डिजायरियस ऑफ जॉइनिंग देम। लेकिन उन इंस्टीट्यूशन के अंदर भी यदि कोई दूसरे धर्म का बच्चा यदि
एडमिशन लेना चाहता है तो ये उनकी बाध्यता होगी उसे एडमिशन प्रदान करना। सच स्टूडेंट्स कुड नॉट बी फोर्स्ड टू लर्न व्हाट डज नॉट फिट इन देयर ओन कल्चरल फ्रेमवर्क। और जो दूसरा विद्यार्थी वहाँ पर एडमिशन लेगा उसको अपनी संस्कृति पालन करने की स्वतंत्रता होगी, दूसरी संस्कृति उसे जो उसके सोशल फ्रेमवर्क या कल्चरल फ्रेमवर्क में फिट नहीं होती है वो सिखाने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। दैट इज वाई द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। इसलिए जो माइनॉरिटीज हैं उनके कल्चरल और एजुकेशनल जो राइट्स हैं उनको भी क्या क्या स्पेसिफाई किया है। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स विद ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव ए राइट टू कंजर्व इट। किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी संस्कृति का, कोई भी जो बच्चों का जो सेक्शन है, ग्रुप है, उनको क्या है अपनी संस्कृति लैंग्वेज को बनाए रखने का अधिकार है। एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी भी मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट और रिसीविंग गवर्नमेंट एड कैन नॉट बी डिनाइड टू एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या दूसरे जो गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त करने वाले इंस्टीट्यूट हैं वो एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते। ऑल माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश द एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अपनी एडमिनिस्ट्र कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, उसे संचालित कर सकते हैं। हेयर माइनॉरिटी डज नॉट मीन ओनली रिलीजियस माइनॉरिटी एट द नेशनल लेवल। और यहाँ पर अल्पसंख्यक का मतलब केवल रिलीजियस अल्पसंख्यक नहीं है, धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक नहीं है। इन सम प्लेस पीपल स्पीकिंग ए पर्टिकुलर लैंग्वेज आर इन माइनॉरिटी। जैसे कुछ स्थानों पर एक विशेष भाषा बोलने वाले लोग क्या अल्प मेजॉरिटी में है, अधिक हैं। पीपल स्पीकिंग ए डिफरेंट लैंग्वेज आर इन माइनॉरिटी। और दूसरी भाषा बोलने वाले लोग क्या कम हैं, माइनॉरिटी में। फॉर एग्जांपल तेलुगु स्पीकिंग पीपल फॉर्म ए मेजॉरिटी इन आंध्र प्रदेश बट दे आर ए माइनॉरिटी इन द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ कर्नाटका। जैसे तेलुगु बोलने वाले लोग आंध्र प्रदेश में मेजॉरिटी में हैं लेकिन कर्नाटक में तेलुगु बोलने वाले क्या है, माइनॉरिटी में है। सिख कॉन्स्टिट्यूट ए मेजॉरिटी इन पंजाब। जैसे सिख हैं वो पंजाब में मेजॉरिटी में हैं बट दे आर ए माइनॉरिटी इन राजस्थान हरियाणा एंड दिल्ली। राजस्थान हरियाणा और दिल्ली के अंदर वो क्या है, माइनॉरिटीज में हैं। अब देखिए नेक्स्ट अपना आता है, ये तो हुए अपने राइट्स हुए, अब हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स, इन अधिकारों को हम सुरक्षित कैसे कर सकते हैं। तो उसमें अपना फर्स्ट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी हमें मिला है। और दिस इट्सेल्फ ए फंडामेंटल राइट, और ये क्या एक मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है। दिस राइट मेक अदर राइट्स इफेक्टिव, और ये जो अधिकार है दूसरे अधिकारों को प्रभावशाली बनाता है। इट इज पॉसिबल दैट समटाइम्स अवर राइट्स मे बी वॉयलेट बाई फेलो सिटीजन्स प्राइवेट बॉडीज और बाई दी गवर्नमेंट। ऐसा हो सकता है कि हमारे जो अधिकार हैं उनको दूसरे नागरिकों के द्वारा, किसी निजी व्यक्ति के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा सकता है, उसका उल्लंघन किया जा सकता है। When any of our rights are violated, जब हमारे किसी भी अधिकार का हनन किया जाता है, we can seek remedy through courts, तो हम कोर्ट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं, उसकी रेमेडी कर सकते हैं। If it is a fundamental right, we can directly approach the Supreme Court or the High Court of State, और यदि ये अपना fundamental right है, मौलिक अधिकार है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। दैट इज वाई डॉक्टर अंबेडकर, और इसी कारण से डॉक्टर अंबेडकर ने ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है उसको क्या कहा है, द हार्ट ऑफ सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान की आत्मा, इसे कहा है। द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडियन confer upon the citizen the right of constitutional remedies which implies that every citizen is entitled to move the Supreme Court। ये जो right to constitutional remedies है ये हमें ये अधिकार प्रदान करता है कि कोई भी नागरिक है वो Supreme Court जा सकता है, any of the high courts of any other court authorized by the parliament for the purpose if his or her fundamental rights are
encroached upon या snatched away by the state, a person or a body of persons. यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को व्यक्तियों के समूह के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा उससे छीना जाता है, उस पर अतिक्रमण किया जा सकता है, अतिक्रमण करता है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और जो दूसरे अथोराइज्ड कोर्ट्स हैं पार्लियामेंट के द्वारा उसके अंदर वो जा सकता है. द कोर्ट हैव बीन वेस्टेड विद द पावर्स टू इश्यू ऑर्डर्स, डायरेक्शंस एंड रिट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द कंप्लेंट्स. जो शिकायत कोर्ट को मिलती है उसका निवारण करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जो कोर्ट है वो क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है. क्यों? क्योंकि न्यायपालिका वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है. दे कैन ऑल्सो अवार्ड कंपेंसेशन टू द विक्टिम्स एंड पनिशमेंट टू द वॉयलेटर्स. जो उसके अधिकारों का हनन करता है उसे कोर्ट सजा दे सकता है और जिस जो विक्टिम है, जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया गया उसे मुआवजा कंपेंसेशन दिलवा सकता है. देखिए नेक्स्ट अपना, द जुडिशरी इन आवर कंट्री इज इंडिपेंडेंट. न्यायालय है वो हमारे देश के अंदर स्वतंत्र है. ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट. जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, उससे न्यायपालिका क्या स्वतंत्र है. आवर जुडिशरी इज वेरी पावरफुल. हमारी न्यायपालिका बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है एंड कैन डू वॉट एवर इज नीडेड टू प्रोटेक्ट द राइट टू ऑफ द सिटीजन. और जो नागरिक हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो चाहे वो अपनी न्यायपालिका कर सकती है. नेक्स्ट देखिए, इन एनी केस ऑफ वॉयलेशन ऑफ ए फंडामेंटल राइट पर्सन कैन गो टू कोर्ट फॉर रेमेडी. बट नाउ एनी पर्सन कैन गो टू कोर्ट अगेंस्ट द वॉयलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट इफ इट इज ऑफ सोशल और पब्लिक इंटरेस्ट. यदि किसी सामाजिक या सार्वजनिक रुचि का कोई विषय है तो उसका उसके विरुद्ध भी व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है और इट इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. इसको क्या कहा जाता है, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है. अंडर द PIL एनी सिटीजन और ग्रुप ऑफ सिटीजन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और ए हाई कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट अगेंस्ट ए पर्टिकुलर लॉ और एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के किसी भी पर्टिकुलर लॉ और एक्शन के विरुद्ध व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सरकार के विरुद्ध भी कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. वन कैन राइट टू द जजेज इवन ऑन ए पोस्ट कार्ड. और जो जज हैं उनको पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी लिख करके भेजा जा सकता है. द कोर्ट विल टेक अप मैटर इफ द जजेज फाइंड इट इन पब्लिक इंटरेस्ट. और जजेज यदि इस विषय को पब्लिक इंटरेस्ट का मानते हैं तो वो क्या करेंगे, इस मैटर के ऊपर एक्शन लेंगे. अब फिर आता अपना NHRC होता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. जो अपना राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन है, आयोग है, वो भी क्या करता है, अपने अधिकारों की सुरक्षा करता है. द NHRC कैन नॉट बाई इट्सेल्फ पनिश द गिल्टी. जो अपना मानव अधिकार संगठन है वो स्वयं क्या करता है, दोषी को सजा नहीं देता है. That is the responsibility of courts. ये किसकी जिम्मेदारी है, courts की जिम्मेदारी है. The NHRC is there to make independent and credible inquiry into any case of violation of human rights. मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित यदि कोई भी मामला है तो ये जो NHRC है ये स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है. It also inquiries into any case of abatement of such violation or negligence in controlling it by government. और government यदि उसे control करने में सक्षम नहीं है या अनदेखी उसकी करती है violation की, तो ये inquiry कर सकता है अपना National Human Rights Commission है. Officers and take other general steps to promote human rights in country. देश के अंदर ह्यूमन राइट्स को, मानव अधिकारों को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कोई भी जरूरी कदम है वो NHRC उठा सकता है. द कमीशन प्रेजेंट इट फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट टू इंटरवेन इन द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टम. और विक्टम की तरफ से क्या कर सकती है, कोर्ट के अंदर भी दखलंदाजी NHRC कर सकती है.
इट हैज वाइड रेंजिंग पावर्स टू कैरी आउट इट्स इंक्वायरी, और जांच करने के लिए इस मानव अधिकार आयोग के पास बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, पावर होती है। लाइक एनी कोर्ट इट कैन विटनेस, किसी भी कोर्ट के अंदर ये विटनेस हो सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल, किसी भी सरकारी अधिकारी से, डिमांड एनी ऑफिशियल पेपर, कोई भी अधिकारिक जो पेपर है उसकी मांग कर सकते हैं, विजिट एनी प्रिजन, किसी भी जेल का भ्रमण कर सकते हैं फॉर इंस्पेक्शन, जांच के लिए, और सेंड इट्स ओवन टीम फॉर ऑन द स्पॉट इंक्वायरी, और ऑन स्पॉट के ऊपर इंक्वायरी के लिए अपनी खुद की टीम भेज सकते हैं। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन राइट ए लेटर टू दिस एड्रेस टू कंप्लेंट अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ वुमन राइट्स, यदि कहीं पर भी मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कोई भी जो भारतीय नागरिक है वो अपने ये फरीदकोट के अंदर जो नेशनल वुमन राइट है उसका ऑफिस है उसमें क्या कर सकते हैं, हम अपनी शिकायत भेज सकते हैं। यह है कॉम्पिक्स मार्ग से न्यू दिल्ली के अंदर है। देर इज नो फीस, उसके लिए कोई फीस नहीं है, कोई फॉर्मल उसका प्रोसीजर नहीं है, और ये जो NHRC हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशंस हैं, इसके 16 स्टेट्स के अंदर भी क्या इसके संगठन हैं, तो यदि कोई व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वो NHRC को लिख सकता है और उसके माध्यम से उसके अधिकारों के हनन को NHRC रोकने के लिए पूरा उसका सहयोग करता है। स्टूडेंट्स, ये अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक्स, क्वेश्चन आंसर की PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी।